हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। आज हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम। जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने व्हाट इज़ एनवायरनमेंट पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि एक अपनी सीरीज आ रही है, सीरीज चल रही है एनवायरनमेंटल लॉ के बारे में। तो अभी जो स्टार्टिंग की कुछ 8-10 वीडियो होंगी वो आपकी बेसिक होंगी, विच मीन्स छोटे छोटे जो टर्मिनोलॉजीज हैं उसको हमको पहले समझना पड़ेगा। जैसे व्हाट इज इकोसिस्टम हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, बायोटिक फैक्टर, अबायोटिक फैक्टर्स, बायोस्फीयर, इस प्रकार से हमको कुछ टर्मिनोलॉजीज समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम समझेंगे इकोसिस्टम के बारे में। तो देखिए, इकोसिस्टम होता क्या है? एन इकोसिस्टम इज एन जियोग्राफिक एरिया। एक इकोसिस्टम होता है, एक जियोग्राफिक एरिया होता है, एरिया वेयर प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म एज वेल एज वेदर एंड लैंडस्केप्स वर्क टुगेदर। अब एक ऐसी जगह, एक ऐसा जियोग्राफिक एरिया जहाँ पर प्लांट, एनिमल और अन्य प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रहते हैं वहाँ पर। ठीक है, टू बबल ऑफ लाइफ, अपने जीवन यापन करते हैं। जैसे कि एक फिगर में दे रखा, देखिए मछली भी हैं, मेंढक भी हैं और बदक भी हैं, कुछ पेड़ पौधे भी हैं। ये सब जगह पर अपने सर्वाइव करते हैं। कैसा सिस्टम? इकोसिस्टम कंटेन बायोटिक और लिविंग। जो इकोसिस्टम होता है उसमें बायोटिक, मैंने बताया दो प्रकार के होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक, विच मीन्स जैविक और अजैविक। तो यहाँ पे जैविक होते हैं एज वेल एज अबायोटिक फैक्टर और नॉन लिविंग पार्ट्स। तो जिसमें बायोटिक फैक्टर, अबायोटिक फैक्टर, जिसमें सब कुछ आ जाता है, वो बनाता है हमारा मिलकर के इकोसिस्टम। ठीक है, तो आपको ये भी इकोसिस्टम जो टर्मिनोलॉजीज है वो बेसिकली समझ में आया होगा कि इकोसिस्टम है क्या, जहाँ पे प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिज्म, वेदर, बायोटिक फैक्टर, अबायोटिक फैक्टर सब मिल करके अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं और या फिर कह सकते हैं हम अपना जीवन यापन करते हैं, उसको बोला जाता है इकोसिस्टम। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।